पुलिस आई थी तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए, तुम घर पर मौजूद नहीं थे तो अब्बू को लेकर चले गए। बजी को? लेकिन क्यों? और हमने ऐसा क्या किया है? ये तो तुम ही मुझे बताओ कि तुमने क्या किया है। क्या वो मुझे ये कहना चाह रही थी कि मैं मुख्तार सिंह से शादी कर लूं? क्या वो मुझे ये कहना चाह रही थी कि मेरी तलाक होने और मेरा घर उजड़ने की वजह मेरी और मुख्तार सिंह की मोहब्बत है? हम आप पैसे मांग रहे हैं और क्या? पैसे? 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए? या अल्लाह, मेरी बीवी को इस चाचड़ से बचा ले। बीवी जी, बड़े साईं का फोन आया है मुख्तार साईं के पास और वो बड़े गुस्से में है। क्या कह रहे मुख्तार साईं? दादन साईं आपको गांव बुला रहे हैं, चाचड़ से शादी का कह रहे हैं आपकी, और मुख्तार साईं से बहुत लड़ाई कर रहे हैं। कब तक बचाएंगे मुझे? बाबा साईं तो अपनी जिद के पक्के हैं, वो तो मेरी शादी उस चाचड़ से करवा कर ही रहेंगे, चाहे उनको मेरी लाश से क्यों ना करवानी पड़े। अल्लाह ना करे जो आपको कुछ हो बीबी, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उनको हिदायत दे और अकल दे। बाबा साईं जैसे लोगों को तो अल्लाह ताला हिदायत ही नहीं देता, फिरौन बनकर बैठे हुए यहाँ पर। फिरौन के लिए अल्लाह ने मूसा को भेजा था बीबी, आपका भाई भी आपकी मदद के लिए खड़ा है जम के, आप परेशान क्यों होती हैं? तुम्हारी बात ठीक है, जब तक मुख्तार साईं मुझे बचा सकते हैं बचा लें, वरना अपनी जान लेना कौन सा मुश्किल काम। मुख्तार साईं से शादी कर लो तुम। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं? मैं उनसे शादी क्यों करूंगी? देखो माही, तुम और मुख्तार साईं एक दूसरे को पसंद करते थे ना, ये बात और है कि तुम दोनों एक ना हो सके, लेकिन अभी जो कुछ हुआ है, हो सकता है इसमें अल्लाह पाक की कोई मसलहत हो कि अब तुम और मुख्तार साईं एक हो जाएं। क्या हो गया आपको? किस तरह की अजीब बातें कर रही हैं? मैं इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सकती जिससे नसरीन को ये लगे कि सच में हमारे बीच में कुछ था। अच्छा, तो कब तक खुद के ऊपर जिंदगी की खुशियां हराम किए रखोगी? कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, इससे हमें क्या लेना देना है? आपको परवाह हो या ना हो, मुझे परवाह है लोगों की। मैं अपने दामन पर गंदगी की ये छींट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो मेरी बहन, मैं इसीलिए तुमसे कह रही हूँ, दुनिया की बुरी नजरों से बचना है ना तो किसी मर्द का मजबूत सहारा तुम्हें लेना ही पड़ेगा। आपको भी तो एक सहारा चाहिए, अपने बारे में आपका क्या ख्याल है? शादी तो मुझे राज ही नहीं है, अब मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती। अपनी बार में रिस्क और मेरी बार में मजबूत सहारा, वाह क्या बात कर रही हैं। यार, उन्होंने मुझसे 10 करोड़ का मुतालबा किया, अब तो मुझे ये बताओ क्या मैं उन्हें सूरत से इतना बड़ा आदमी नजर आता हूँ? मिर्जा बात ये नहीं है, उनकी बला से वो कुछ भी मुंह खोल के मांग लेते हैं, मिले ना मिले, अगर लग गया तो तीर वरना तुक्का तो है ही ना। यार मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है, मैं कहां से दूंगा? मुझे डर ये है कहीं वो माजिद को पकड़ के ना ले जाए, अगर वो एक दफा माजिद को ले गए तो सारी जिंदगी हमारी थाना कचहरी करते गुजर जाए। अल्लाह ना करे ऐसा हो, खैर की बातें करो यार। यार क्या खैर की बात करूं, एक मुसीबत से निकलता हूँ दूसरी मुसीबत खेल देती है। यार मिर्जा, ये सारी परेशानियाँ और ये मुश्किल हालात अल्लाह की तरफ से होते हैं, पर तुम तो यार इतने बहादुर आदमी हो फिर भी आज इस किस्म की बातें कर रहे हो, दिलार बैठे। यार कब तक दिल को समझाऊं, कहाँ तक इसे छोटी तसल्लियां दूं, मेरी समझ में नहीं आता कि एक मुसीबत जो है खत्म होने का नाम नहीं देती, रोज नए नए तरीके से मेरे सामने आ जाते, बड़ा परेशान हूँ यार। यार मिर्जा, तुम कितने मजबूत और बहादुर आदमी हो और फिर ऐसी बातें करते हो, तुम्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही ये बातें। देखो माजिद को किसी तरीके से यहाँ से भेज दो, अगर वो उनके हाथ से चढ़ गया तो ये समझ लो कि वो मजीद दबाव डालेंगे तुम पे। यार मैंने कहा था माजिद से, समझाया उसे कि भाई
तुम चले जाओ। कह नहीं, मैं आपको मुश्किल में छोड़ के नहीं जा सकता। भला बताइए, आप मेरी वजह से बाबा साईं से क्यों लड़ रहे हैं? ये लड़ाई मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं लड़ रहा, बल्कि उन तमाम बहनों के लिए लड़ रहा हूं जो बेबस हैं, जिनके घर के मर्द उन्हें अपनी जागीर समझते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, कभी गैरत के नाम पर, कभी वट्टे सट्टे के नाम पर, और कभी अपनी दुश्मनियां खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनका। तो क्या गलत करते हैं हम? औरतों के तो मुकद्दर में यही सब कुछ लिखा हुआ है ना, शादी से पहले बाप भाई, शादी के बाद शोहर और माँ बनने के बाद बेटा। हमारे इस माशरे में हम औरतों को इख्तियार ही कम मिला है कि हम अपनी मनमानी कर सके, और अगर कोई औरत मनमानी कर भी लेती है तो उसे बागी और आवारा करार दिया जाता है ना। मेरी जिंदगी में कम अज कम ऐसा नहीं हो सकता कि कोई तुम्हारी जिंदगी से खिलवाड़ करे, चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। बाबा साईं ने इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया है भाई, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। और मैं भी अपनी जुबान से नहीं फिर सकता। तुम मेरी छोटी बहन हो नजरी, और एक बड़ा भाई होने के नाते मेरा दर्जा बाप का भी है। अगर एक बाप अपनी जिम्मेदारी भूल गया है, तो बड़ा भाई होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं भूला। तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा मैं। मुझे अपनी नहीं, मुझे आपकी फिक्र है सही, कहीं ऐसा ना हो कि इन सब में बाबा सही और चाचा आपको कोई नुकसान पहुंचा दे। मेरा कुछ नहीं कर सकते वो, ना ही बाबा सही और ना ही चाचा। अम्मा आपको पता है एहसन अंकल अभी तक थाने में बंद है, पुलिस माजिद भाई को ढूंढने के लिए घर घर छापे मार रही है। अरे ऐसा क्या कर दिया उसने, वो तो अच्छा खासा माकूल शख्स है। सलीम सो गया क्या अम्मा? हाँ बहुत रो रहा था। तुम लोग तो ऐसा जाते हो कि लौट के आने का नाम ही नहीं लेते। अम्मा किसी के घर जाते हैं तो देर तो हो ही जाती है, अगर सलीम इतना तंग कर रहा था तो तुम मुझे कॉल कर लेती, ताकि मैं नईम को भेज के सलीम को मंगवा लेती। अच्छा ये बताओ कि माजिद पकड़ा गया क्या? नहीं, और जब तक माजिद भाई नहीं आएंगे ऐसा अंकल गिरफ्तार ही रहेंगे। वो तो बहुत अच्छे इंसान है, ना किसी के लेने में ना देने में। हाँ भाई हर बंदा तुम्हारे ससुर की तरह होने से रहा। ये क्या बात कर रही है अम्मा जी आप? अब अब्बा जी ऐसे भी नहीं है। और नहीं तो क्या, अब्बा जी की सिर्फ एक खामी है और वो है उनका गुस्सा। अब तो उनका गुस्सा बहुत कम हो गया, वरना मैंने देखा है उनका गुस्सा गैज़ो गज़ब का गुस्सा है उनका। अरे होता है तो होता रहे, हमें क्या लेना देना उसे गैज़ो गज़ब से। नसरीन बीवी बहुत परेशान लग रही है। हाँ जानता हूं, बाबा साईं की वजह से मेरी बहन हंसना भूल गई है। लेकिन साईं दादन साईं तो वापस चले गए, फिर वो क्यों परेशान है और आप भी बहुत टेंशन में लग रहे हैं। शहनाज बात टेंशन की ही है, बाबा साईं इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, देखना वो दोबारा आएंगे। साईं अगर वो वापस आ गए तो हम नसरीन बीबी को कहाँ छुपाएंगे? मैं भी यही सोच रहा हूँ। लेकिन साईं इस तरह डर डर कर कब तक जिएंगे? आप एक बार उनसे साफ खुल के बात क्यों नहीं कर लेते? कितनी बार बात कर चुका हूँ मैं उनसे, कितनी बार, लेकिन बाबा साईं की समझ में नहीं आती है। पता नहीं जो बात एक बार उनके दिमाग में बैठ जाए वो फिर इतनी आसानी से हटती नहीं है। आप नसरीन बीबी का निकाह अपनी मर्जी से कर दीजिए ना, फिर तो ये मसला ही खत्म हो जाएगा। शहनाज किससे करूं शादी, अपनी बहन?
बहन का रिश्ता किसी के पास लेके जाते हुए शर्म आती है। और फिर नसरीन क्यों करेगी किसी से शादी, वो भी मेरी मर्जी से। उसकी अपनी मर्जी होना भी तो जरूरी है। साईं, नसीम बीबी मान जाएंगी, उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है ना। सही कह रही हो तुम, लेकिन ये भी तो उसके साथ ज्यादती होगी ना। अब वो आप ही बताएंगे क्या करें, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना समझा रही हूँ माजिद को कि फाखर के घर चला जाए, लेकिन वो किसी सूरत मानने को तैयार ही नहीं। हाँ बेटा, मुझे भी यही परेशानी खाई जा रही है कि अगर वो दोबारा माजिद को ढूंढते हुए आ गए तो क्या होगा। मेरा फिर भी लिहाज कर लेंगे कि मैं बड़ी उम्र का हूँ, लेकिन माजिद। अब वो आप ही बताएं कि क्या करूँ, हमारे पास तो पैसे नहीं कि हम जमानत भी करा सके। बेटा यही बात तो मुझे हलकान किए हुए है कि केस भी हीरोइन का है और ये केस बड़ा खतरनाक होता है। जो इस केस में जबा फंस जाए तो उसका निकलना बड़ा मुश्किल होता है। अब वो आप फाखरा से बात करें, उसके बहुत ताल्लुकात हैं, अगर माजिद को कुछ हुआ तो वो भी फंसेगा। अरे बेटा, ताल्लुकात रखने वाले कहाँ फंसते हैं, फंसते तो हम ही पतली गर्दन वाले हैं। वैसे मुझे माजिद से इतनी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। इसमें उस बेचारे माजिद का क्या कुछ, अगर उसका शनाख्ती कार्ड किसी ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और उसके शनाख्ती कार्ड के नंबर पे यहाँ भिजवा दिया है तो वो बेचारा क्या करे। इसको कितनी बार मना किया है कि अपना शनाख्ती कार्ड ऐसे हर किसी को मत दे दिया करो, मगर वो है कि कभी किसी के सुनता ही नहीं। बेटा ये केस किसी और की वजह से नहीं, फाखरा की मर्जी से बना है। माजिद को चाहिए कि सारी बात जाकर फाखरा को बता दे कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। है ना परेशानी की बात, ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही कि आखिर माजिद क्यों इतामा तोड़ रहे। मुख्तार साईं, दादन साईं को हार्ट अटैक हुआ है, वो आपको और नसरीन बीबी को याद कर रहे हैं। क्या, बाबा साईं को हार्ट अटैक हुआ है? जी साईं, उनकी जान को खतरा है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जल्दी आ जाएं, ऐसा ना हो उनको देर हो जाए। पर अभी तो मेरी उनसे बात हुई थी, बाबा साईं तो बिल्कुल ठीक थे। साईं मैं बड़े साईं के पास था जब आप उनसे बात कर रहे थे। जब उन्होंने फोन बंद करा तो वो दिल को पकड़ के बैठ गए थे। जब मैं उनके पास गया तो वो बेहोश थे। अच्छा ये बताओ अभी कहाँ है वो? अभी तो वो घर पे ही है, डॉक्टर को फोन कर दिया, वो आता होगा। पागल हो गया है क्या, चरिया है क्या, बड़े अस्पताल में लेके चलो, दिल की तकलीफ है उन्हें। साईं आप तो जल्दी आए, नसरीन बीबी को भी साथ लाना। अब्बा जी ये तो सीधी सीधी बुजदिली हुई ना, मतलब इन हालात में हम अंजुम जी को और आपको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? बेटा ये बात बुजदिली की नहीं है, अकल से काम लेने की है। अगर खुदा ना खास्ता तुम उनके नरके में फंस गए तो हमारे तो बेटा हाथ पांव कट जाएंगे। अगर तुम होगे ना तो भाग दौड़ कर सकते हो। अब मैं इस उम्र में इन हालात का कैसे मुकाबला करूंगा? अब्बा जी अगर वो लोग घर आ गए और आप और अंजुम जी के साथ कोई बदतमीजी की तो? नहीं 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 नहीं, नहीं वो कुछ नहीं करेंगे। फिलहाल तो उन्होंने बेटा पैसों का मुतालबा किया। बेटा अगर उनके मुतालबात पूरे ना हुए तो फिर शायद वो तंग करें। बेटा इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम अपने तौर पर कोशिश करो कि ये मामला किसी न किसी तरह निमट जाए। ठीक है अब्बा जी, आप कहते हैं तो फिर हम चले जाते हैं। बेटा एक बात और है, तुम फाखरा की तरफ मत जाना। मुमकिन है कि वो लोग फाखरा के घर की निगरानी कर रहे हों, खुदा ना खास्ता। तुम आपकी बात ठीक है अब्बा जी, हम करते हैं कोई और बंदोबस्त करते हैं। तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है नाला। ठीक है अब्बा जी, हम हबीब मियां से बात करते हैं। और बेटा एक बात का ख्याल रखना, किसी को पता ना चले कि तुम कहाँ हो, खासतौर पर फाखरा अंजुम को भी, इसलिए कि खवातीन जो है जरा कमजोर दिल की होती हैं, इनके पेट में कोई बात रुकती नहीं है, बस जरा एहतियात। ठीक है जी। ठीक। गोट से कॉल आई थी, बाबा साईं को हार्ट अटैक हुआ है। साईं छोटा मुंह और बड़ी बात, मुझे तो लग रहा है ये साईं ने सारा चक्कर बीबी जी को बुलाने के लिए किया है।
कहा शायद, ये बात मेरे जहन में क्यों नहीं आई, शायद पूरा ठीक कह रही है। लेकिन भाई अगर ये खबर सच हुई तो खुदा ना करे कि बाबा साईं को। तो फिर मैं चला जाता हूँ गाँव, अगर जरूरत हुई तो मैं ले जाऊंगा तुम्हें। साईं मुझे अपने साथ लेकर चलें, बाबा साईं को अगर कुछ भी हो गया तो मैं उनको माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। साईं अगर आपके पीछे बड़े साईं ने किसी को भेज दिया तो फिर हम क्या करेंगे? भाई मैं आपके साथ ही चलती हूँ गाँव, वहाँ अगर बाबा साईं ने जिद की तो आप बेशक मुझे अपने हाथ से गोली मार दीजिएगा। एक काम करते हैं। वो क्या साईं? मैं तुम चारों औरतों को यहाँ किसी अच्छे होटल में रिहाइश करवा देता हूँ। अगर बाबा साईं के लोग यहाँ पे आएंगे तो मुझे मालूम हो जाएगा। ठीक है, जैसा आप चाहें। ठीक है, तुम दो जोड़े पैक कर लो, मैं जाते हुए तुम्हें वहां पर रिहाइश करवा देता हूं। माहिन और शहनाज को भी बता दो जाके। जी सर। माजी दब्बू की बात बिल्कुल दुरुस्त है, तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। क्यों बैठे बैठे अपनी जान को मुसीबत में डाल रहे हो? अंजुम जी, असल में बात यह है कि हम नहीं चाहते कि अब्बा जी को हमारे पीछे कोई तकलीफ हो। अगर ऐसा हुआ ना तो हम खुद को कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन ये भी तो सोचो कि अगर तुम किसी गिरफ्त में आ गए तो हम तुम्हें कैसे बचाएंगे? उन्होंने तो पैसे मांगे, वो भी पूरे 10 करोड़ रुपए। कहाँ से लाएंगे हम इतने पैसे? अंजू जी, हमें तो ये नौसरबाज लगते हैं, आप यकीन मानो। देखिए, अगर पुलिस हमें चाहती पकड़ना तो पाताल से भी ढूंढ के निकाल लेती। या तो ये पैसे हथियाना चाहते हैं हमसे, या फिर इनके पीछे किसी और का हाथ। लेकिन हमारा ऐसा कौन सा दुश्मन हो सकता है? कोई क्यों करेगा हमारे साथ ऐसा? अरे दुश्मनी के लिए किसी वजह का होना जरूरी थोड़ी है। हमें तो इस बात का भी यकीन है कि वो ये भी जानते होंगे कि इस वक्त हम इस घर में मौजूद हैं। अगर ऐसी बात होती ना तो वो कब के यहाँ आ चुके होते। अंजुम जी, यही बात तो आपको समझाना चाहते हैं कि वो सिर्फ पैसे हथियाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उनको इससे क्या फायदा होगा? कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर होगा, जभी तो ये सब कुछ कर रहे हैं। हम जब भी आपसे कह रहे हैं कि देखें एक होके रहते हैं ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो उसका मिल के सामना करेंगे। देख लो माजिद, लेकिन मुझे तो बहुत डर लगता है। डरने की क्या जरूरत है, हम हैं ना आपके साथ, हम पे भरोसा नहीं है क्या? तुम पर तो है, लेकिन पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। मत घबरा, अल्लाह पे यकीन। ये मिर्जा माजिद चला गया? नहीं, कह रहा है कि आपको मुश्किल में छोड़ कर नहीं जाऊंगा। यार ये तो उसकी अच्छा ही है, लेकिन हाँ इस केस में सारे घर वाले भी फंस सकते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो अंजुम से भी सवाल करेंगे? अरे भाई वो यही करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बीवी ये जरूर जानती कि उसका शौहर कहाँ कहाँ होता है और क्या करता है। वैसे एक बात यार बड़ी हैरत की है। वो क्या? वो लोग अब तक फाखरा ही घर नहीं गए ढूंढने माजिद। यार ये तो वाकई हैरत की बात है, क्योंकि ये इदारे जो हैं इन्हें ये इल्म होता है कि मुलजिम कहाँ है और कौन है, और वो तो ये भी जानते होंगे कि फाखरा एक बिजनेस करने वाली औरत है और माजिद की दूसरी बीवी है। वैसे इस केस का सारा शक फाखरा पे जाना चाहिए था, मगर उन लोगों ने एक भी फोन वहाँ नहीं किया। यार तुम क्या कहना चाह रहे हो, मतलब ये कि सारा कुछ ड्रामा हो रहा है? हाँ यकीनन यकीनन, इसके अलावा मैं और क्या कह सकता। वो यार हमको महज डरा धमका रहे हैं, उन्हें अगर पकड़ना होता ना तो कब का माजिद को पकड़ सकते थे। हाँ तुम ये कहना चाह रहे हो कि उन्हें ये पता है कि माजिद घर में है,
यकीनन यकीनन उनसे कोई बात छुपी भी नहीं। मैडम मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर आप इस मसले को हल क्यों नहीं कर लेती। इन दोनों से एक ही दफा में बात करें। अगर इन लोगों को शराफत की जबान समझ नहीं आती तो फिर इन लोगों से किसी दूसरे तरीके से निमटना होगा। रोना तो इसी बात का है ना कि इन लोगों को शराफत की जबान समझ में ही नहीं आती, सिर्फ ब्लैकमेलिंग करने आती है। तो फिर आप क्यों ब्लैकमेल हो रही हैं? जबकि आपका इस सारे किस्से में कोई कसूर ही नहीं है, तो फिर इन दो टके के लोगों के हाथों ब्लैकमेल होने की कोई वजह नहीं है। देखो महवेश, रफीक ने मुझे जबानी तलाक दी थी और उसका कोई गवाह भी नहीं है और वो अपनी बात से मुकर रहा है। मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या करूं? आप अदालत में खुला का मुकदमा भी तो दर्ज कर सकती हैं। महवेश, खुला का केस करने से तो मैं गलत साबित हो जाऊंगी और रफीक सच्चा साबित हो जाएगा। ये बात तो आप ठीक कह रही हैं। और माजिद के साथ जो मेरा निकाह हुआ है वो भी गलत साबित हो जाएगा। मेरे ख्याल से मैडम आपको इन दोनों से खुल के बात करनी पड़ेगी ताकि इन लोगों को बात समझ में आ जाए। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। अब इनसे मैं अपने तरीके से बात करूंगी। ठीक है। रफीक, बहुत हो चुका, इतने घंटे हो गए इंतजार करते करते, अब मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। बस निकलो यहाँ से। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? फाखरा मैडम ने कहा है कि उनको आपसे कोई जरूरी बात करनी है। हमें कोई बात बात नहीं करनी। जब तुम्हारी मैडम के पास हमारे लिए वक्त नहीं है तो हमारे पास भी वक्त नहीं है और ना हमें ख्वाहिश है। देखें, इस तरह से आप लोग नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कौन रोकेगा हमें? मैं रोकूंगी आपको। और वैसे भी फाखरा मैडम ने कहा है कि अगर आप उनकी बात सुने बगैर चले गए तो बाहर बैठे गार्ड्स आपको पकड़ लेंगे। ऐसे कैसे पकड़ लेंगे तुम्हारे गार्ड? हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? आप लोगों ने फ्रॉड किया है। फ्रॉड तो तुम्हारी मैडम ने किया है मेरे साथ। निकाह पर निकाह का जुर्म उसने किया है। ये तो मेरी शराफत है कि मैं उसे अदालत के कटहरे में नहीं लेके गया। हाँ तो आपको किसने रोका है? आप ले जा सकते हैं केस अदालत में। फाखरा की इज्जत का ख्याल है, मुझे तो कोई मसला नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहा है रफीक, मुझे सिर्फ अपनी बेटी की इज्जत का सवाल है, इसलिए मैं अदालत तक नहीं जाना चाह रही। मामला तो अब अदालत और पुलिस तक पहुंच चुका है मैडम। और वैसे भी फाखरा मैडम की कोई दोस्त आ रही हैं जो इस मसले को हल करेंगी, इसलिए बेहतर यही है आप लोगों के लिए कि आप जाकर कमरे में आराम से बैठ जाए। चलो देख लेते हैं इसकी दोस्त को। इतने सारे पैसे मैं कहां से लाऊंगी? और तुम्हारे कहने पे मैं सूद पे इतना सारा पैसा ले लूं तो वापस कैसे करूंगी? और एक बात, इनायत बाबा मुझे इतने सारे पैसे क्यों देंगे? मैं तुम्हारे भाई की खातिर ना मैं अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकती। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं उस बुड्ढे से शादी कर लूं अपने शौहर को छोड़कर? क्या तुम मेरे शौहर को मरवा दोगे? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? बकवास बंद करो, करती हूं मैं तुम्हारा भी हिसाब किताब। हाय, मिर्जा अंकल को पुलिस ले गई। वो तो बहुत मारती है अंजुम, और अंकल तो मार भी नहीं सह सकते। लेकिन अब्बू तो घर पर ही हैं, पुलिस के पास से वापस आ गए थे।
क्या पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया? हाँ, अब्बू तो शाम को ही घर आ गए थे। अच्छा, वैसे ऐसा होता तो नहीं है कि पुलिस इतनी आसानी से छोड़ दे। जब मेरे अब्बू का कोई कसूर ही नहीं है तो पुलिस क्यों रखती उन्हें अपने पास? और तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? तुम तो गैर समझती हो ना, इसीलिए नहीं बताया। मगर जैसे ही मुझे नईम ने बताया, मेरा तो घर रहना ही मुश्किल हो गया। मैं तो फौरन ही सलीम को पड़ोस में छोड़ के तुम्हारे पास आ गई। आखिर को तुम्हारे शोहर पे हीरोइन का केस है। अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है, और वैसे भी ये केस झूठा है। अच्छा, माजिद भाई हैं कहाँ? बाहर गया हुआ, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। माजिद भाई को जल्दी से फोन कर दे, वो किसी दूसरे शहर में जाके छुप के रहे, वरना पुलिस तो कभी नहीं छोड़ेगी उन्हें। पहली बात तो ये कि माजिद यहाँ है नहीं, और दूसरी बात ये वो क्यों भागे? अगर भाग गया तो वो मफरूर कहलाएगा, और वो ज्यादा खराबी की बात है। तो उनसे ये क्यों नहीं कहती कि वो खुद गिरफ्तारी दे दे? बेगुनाह तो वैसे भी वो है, बाहर तो आ ही जाएंगे। क्यों दे माजिद गिरफ्तारी? माजिद बेगुनाह है, और इस बात का मुझे पूरा यकीन है। रहने दो रफी, तुम सिर्फ बातों के शेर हो, बस बातें बनाया करो और ऐसी भरम डाला करो। आखरा ने मुझे हल्का ले लिया है, बात अब ऐसे नहीं होगी। फिर कैसे होगी? ये तो तुम देखती जाओ। देख ही रही हूँ इतने अरसे। अबा खैरियत, यहाँ क्यों आ गए? अरे भाई, ये परवीन यहाँ क्यों आई है? वो भाई, ये पूरा ढोल है, अगर इसे कोई बात पता लग जाए ना तो जिसे पता नहीं हो उसको भी मालूम हो जाती है। अरे यार, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? उसे नईम ने बताया होगा, और अब अगर आ गई है तो आने दो। यार मिर्जा, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो, ये तुम्हारी और मेरी हमदर्दी में नहीं आई है, ये यहाँ पे मुखबरी करने आई है। यार तुम भी यार सिद्दीक, मैं आप करना कुछ अजीब बातें करते हो। वो बेचारी सादा सी लड़की है, वो क्या हमारी मुखबरी करेगी? यार मिर्जा, तुम्हें इस सादा सी औरत के गुणों का पता नहीं है, ये यहाँ सिर्फ ये पता करने आई है कि माजिद कहाँ है। अच्छा, तो इस बात से उसे क्या फायदा होगा? देखो, फायदा हो या ना, लेकिन इसको पता नहीं चलना चाहिए कि माजिद यहाँ है। और अगर नहीं आ गया तो माजिद का सारा दिन कमरे में छुपा जाएगा, देखो कमरे से बाहर तो निकलेगा, वो तो देख ही लेगी। देखो, माजिद को मना करो कि कमरे से बाहर ना निकले, और अंजुम से भी ये कह दो कि इसे अपने कमरे की तरफ ना ले जाए। यार तुम्हारी बातें, माफ करना, मेरी समझ में नहीं आ रही, यानी क्या कहना चाहते हो? खैर, तुम कहते हो तो मैं दोनों को समझा दूं। ये जरूरी है। हाँ, मैं समझ गया, इसमें कौन सी फारसी बोल रहे हैं आप, जरूरी है और अधूरी है। ये दोनों गए नहीं यहाँ से? इन्होंने कहाँ जाना है? यार महविश, मुझे तो लगता है कि फाखरा मैडम खुद नहीं चाहती ये मसला हल हो, वरना रफीक हमारे लिए कोई मसला थोड़ी है। वैसे मैंने फाखरा मैडम से बात की और उनसे कहा है कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल करें। वैसे यार माजिद भाई भी अजीब आदमी है, फाखरा मैडम कुछ बोलती नहीं है कि उनकी सीटी गुम हो जाती है। वैसे हबीब, ये माजिद साहब का कैरेक्टर मुझे कुछ समझ नहीं आया। कभी तो वो मुझे इंतहाई मासूम और शरीफ इंसान लगते हैं, और कभी कभी उनकी आंखों में मुझे सांप जैसी मक्कारी नजर आती है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, माजिद भाई मेरे दोस्त हैं, मेरे मौसिन हैं, मैंने उनके साथ जिंदगी में पता नहीं क्या कुछ किया, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी वो बंदा मेरे लिए खड़ा था। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब आप अंजुम के घर नहीं गए? बस जब ये लोग क्वेटा जाएंगे। अब यही देखो ना, माजिद भाई ने जाकर एहसन अंकल से और अंजुम भाभी से बात की, उन्हें कन्विंस किया मेरे वहां रहने के लिए। कोई और होता तो क्यों करता? अरे उनकी जगह अगर मैं होता ना तो शायद मैं भी ये ना कर पाता। जी ठीक कह रहे हैं आप, बस माजिद साहब की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी बेइंतहा शराफत है। ये वर्ड तुमने सही यूज किया, जरूरत से ज्यादा शराफत। ठीक है, मैं फाखरा मैडम से बात करता हूँ। अरे माजिद। जी अब्बाजी। बस ना बेटा, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। मैं कह रहा था कि जब तक मैं ना कहूँ तुम घर से बाहर मत निकलना। लेकिन क्यों अब्बा जी? बाकी उसे देख है ना, वो उसकी बहू आई थी परवीन, वो बड़ी तेज औरत, वो ही टोल लेने आई है कि आखिर मसला क्या। अब्बा जी
सिद्दीक अंकल को तो सारी बात पता है और वो उनकी बहू है, उन्हें भी पता होगा, फिर नईम ने बता दिया होगा। नईम को समझा देगा, बस तुम अपना ख्याल रखो, समझे? शाबाश। ठीक है फिर, ठीक है। इतनी देर से कह रही थी रफीक कि निकल चलो यहाँ से, लेकिन तुम हो कि तुम्हें मेरी बात समझ में ही नहीं आती। इतनी देर से बिठा कर चली गई है ना फाखरा की चमची। खाला बस थोड़ा सबर कर लो, फाखरा भी आती होगी, मैं बात करता हूँ उससे। रफीक वैसे मुझे तो डर लग रहा है कहीं इन लोगों ने हमें पकड़वाने के लिए ना बिठाया हो, पता चला अभी पुलिस आई और हम लोगों को पकड़ कर ले गई। अरे मुंह अच्छा ना हो ना, कम से कम बंदे को बात तो अच्छी करनी चाहिए ना। बकवास बंद करो, मेरे मुंह के बारे में कुछ ना कहना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों, क्या कर लोगी तुम? तुम्हारा साथ छोड़ के अभी के अभी चली जाऊंगी, आई समझ? तुम हो कब मेरे साथ, मजाए मेरी मदद करने के, हमेशा मुझे डराती। डरती वरती मैं किसी से नहीं हूँ, सिर्फ पुलिस से डरती हूँ। अगर उसने 302 के केस में अंदर कर दिया फिर क्या होगा? अरे कुछ नहीं होता खाला, अभी फाखरा से बात करूंगी तो फिर चलते हैं। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें रफीक, लेकिन अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये लो फाइल और इस पर साइन करो। क्या अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रही है? ये तलाकनामा है जिस पर तुम साइन करना भूल गए थे। जब उस वक्त साइन नहीं किए थे तो अब क्यों करो? कैसे नहीं करेगा, साइन कर इस कागज पर। अगर तूने साइन नहीं की ना तो ये सारी की सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। बुढ़िया इस रफीक को बोल दे साइन कर दे शराफत से। बहुत जाना जाना करते थे ना, आ गई तुम्हारी जान लेने। रफीक साइन कर दो, ये लोग तो पागल हो गए और पागल इंसान कुछ भी कर सकता है। हाँ ये पागलपन है, और पागल इंसान तो बाकी कुछ भी कर सकता है, किसी की जान ले भी सकता और अपनी जान दे भी सकता है। साइन करता है या मारू गोली? कर दो साइन। चलो अब निकलो यहाँ से। जा रहे हैं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, चलो। आजा मेरे मुन्ना, निकल। खाला कमाल करती हो जाना, देखा ना तुमने मेरा कमाल, अब लग गया ना पता। हमारे बेटे का ख्याल तो मुझे ही रखना है ना। निकालो इसे। वैसे अंकल अब तो खाने का टाइम था, लेकिन आपने चाय मांगी तो मैं ले आई। अरे बेटा मेरा खाने का दिल नहीं चाह रहा। अच्छा तुम जरा यहाँ बैठो, मुझे एक बात कहनी थी। मुझसे? जी अंकल कहें। बेटा ये जो परवीन है ना, इससे जरा होशियार रहना, ये मीठी छुरी है। मीठी छुरी? हाँ मेरा मकसद है ये यहाँ किसी खास मकसद से आई है, और इसको माजिद यहाँ घर में मौजूद है, इसका बिल्कुल इल्म ना हो। लेकिन अंकल कब तक छुपा सकते हैं? माजिद बाहर निकलेगा तो सबको पता चल ही जाएगा। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ तो माजिद को कमरे से बाहर नहीं आने देना, और ना इसको इतना फ्री करना कि ये तुम्हारे कमरे में जा पहुंचे। मेरे कमरे में तो वैसे भी नहीं जाती। परवीन को यकीनन उसकी माँ ने ये खोज लगाने भेजा हो।
लेकिन माजिद की खोज लगाने में परवीन की माँ का क्या फायदा हो सकता है? अगर ये बात उसको पता हुई और बाहर इसके मुंह से कहीं निकल गया तो ये माजिद के लिए नुकसानदेह है। माजिद की ताक में लोग बाहर बैठे हुए, कहीं वो ना अंदर आ जाए। हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि असल दुश्मन है कौन। सही कह रहे हैं आप अंकल, मैं ध्यान रखूंगी। वैसे अब्बू कहाँ? वो अपने कमरे की तरफ गया। अच्छा चले, आप चाय पिए, मैं परवीन को देख लूँ जरा। ठीक, मैं होशियार रहना बस। जी देख लिया ना मेरी बात ना आने का अंजाम? कितने अरसे से कह रही थी, लेकिन तुम्हारे भेजे में मेरी बात आ जाए तो फिर क्या बात। और वैसे भी इस सर में भेजा नहीं है, भूसा है भूसा। कौन सी बात है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो बुड्ढे पुत्र, तुम मुझे खाला खाला ना करो। इतने अरसे से मैं तुम्हारी खाला इसलिए बर्दाश्त कर रही थी कि तुम मेरे नकली दामाद थे, वरना मैं सकीना हूँ तुम्हारी पार्टनर, आई समझ। और दूसरी बात ये कि मेरी बात जो तुमने नहीं मानी, मैं कह रही थी जो मिल रहा है लेकर निकलो, लेकिन तुम तो इतने अकलमंद हो ना। असल में खाला। फिर खाला? अच्छा अच्छा सकीना, मैं ये चाह रहा था कि बड़ी रकम लूं। लाखों से क्या होता है? देख लिया ना, करोड़ों के चक्कर में लाखों से भी गए। तुम्हारे हर गेम में यही होता है, ज्यादा के चक्कर में हम थोड़े से भी जाते हैं। ऐसे तो ना कहो, मुझे जब बार वाले पैसों में हमने लाखों कमाए थे, भूल गई हूँ? मैं नहीं भूली, तुम भूल गए हो कि जब्बार वाले काम में हम लोग इसलिए कामयाब रहे थे कि तुम मेरे मशवरों पर चले थे, वरना भूल गए कासिम वाले केस में और जावेद वाले केस में क्या हुआ था? हम लोग की जान के लाले पड़ गए थे सिर्फ तुम्हारे मशवरों पर चलने की वजह से। अच्छा शर्मिंदा तुम करो। शर्मिंदगी गई भाड़ में, मैं तुम्हारी तरह लालची नहीं हूँ। मुझे करोड़ों नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे 5 लाख दो अभी और इसी वक्त। सारी सिचुएशन तुम्हारे सामने है। मैंने कह दिया ना मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे अपने 5 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए अभी और इसी वक्त। लेकिन जब फाखरा ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया तो मैं तुम्हें कहाँ से दूँ? फाखरा ने दिया तो मैं क्या करूँ? मैं तो रोजाना आती थी ना इतने अरसे से तुम्हारी सास बनकर तुम्हारे साथ। मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया ना, और तुमने वादा किया था कि तुम आओगी तो मैं 5 लाख रुपए दूंगा, बल्कि ज्यादा मिलेंगे तो ज्यादा भी दे दूंगा। हाँ तो मैं कम कर रहा हूँ, दे दूंगा तुम्हें 5 लाख। दे दूंगा 5 लाख रुपए अगले जन्म में दोगे क्या? अभी और इसी वक्त दो, जल्दी दे दूंगा तुम्हें। मेरे तुम्हारे ऊपर पहले ही लाखों का उधार है, उसमें ये 5 लाख रुपए और ऐड कर दो और जल्द से जल्द मेरी सारी रकम दे दो, वरना तुम्हें मालूम है ना अगर मैं अपनी पर आ गई तो फिर क्या चीज है सकीना। हाँ हाँ जानता हूँ, दे दूंगा पैसे। वैसे रिवॉल्वर देखते ही तो तुम्हारी जान निकल गई थी, फौरन ही तुमने तलाकनामे पर दस्तखत कर दिए। अब तुम्हारा गेम तो ओवर हो गया, क्योंकि अब तो तुम फाखरा के ऑफिशियली शौहर नहीं हो, लेकिन मैं तो उसकी माँ हूँ ना और हमेशा आपकी माँ रहूंगी। फाखरा अब सारी जिंदगी तुम मुझसे जान नहीं छुड़ा सकती। साथ ही है ना, दोनों मिलकर फाखरा को मजा चुका है। किस रिश्ते से? तुम तो अब फाखरा के ऑफिशियली शौहर भी नहीं रहे। जिस तरह तुम उसकी माँ रहोगी इसी तरह वो अपने बच्चे और उसके बाप के वजूद से इनकार नहीं कर सकती। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, दोनों मिलकर फाखरा को ऐसा मजा चखाएंगे कि याद रखेगी वो भी। मुझे लगता है कि ये सब कुछ दबाव डालने के लिए हो रहा है। मिर्जा कहाँ मिर्जा अंकल, और कहाँ 10 करोड़ रुपए का मुतालबा? माजिद ने जो कुछ भी किया नेहायती नेक नियति से किया था। नेक नियति? आपने नेक नियति से किया? गलत बोल रही हैं आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आपने ये सब कुछ एक प्लान के तहत किया था।